हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएनई विद दुर्गेश में। आज हम लोग जीएस सुपर 30 सीरीज में विश्व भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं और विश्व भूगोल में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों का आज हम लोग को पढ़ना है। और सुपर 30 सीरीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की सीरीज हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सबसे पहले वीडियो को जुड़िएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग सुपर 30 जीएस की सीरीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और कॉपी कलम लेकर साथ बैठेगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आते हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो इस भूगोल की जो महागाथा सीरीज है, इसमें विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, विश्व भूगोल में पृथ्वी और में हमारा सौरमंडल या सौरमंडल पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ब्रह्मांड को भी पढ़ा, अन्य सभी तत्वों को पढ़ लिया। अब आपके सामने प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, मैंने सवाल बहुत ही आसान है, आप चाहें तो बता भी सकते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो कैसे उत्पन्न होती है या कहां से उत्पन्न होती है। तो यहां पे चार ऑप्शन दिया है, आयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा और नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। मैंने इस बारे में आपको पढ़ाया है और मैंने बताया था। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे होंगे तो जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके जवाब देंगे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग फटाफट प्रश्न का जवाब देते चले। और दूसरी बात, जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर लें, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिना वीडियो को पूरा देखे मूल्यांकन कर लेंगे और लाइक कर देंगे। भगवान उसके दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका करियर इसी तरह से बनाए रहे। बाकी जो लोग मेहनत और अच्छे से पढ़ रहे हैं वे सभी जल्दी जल्दी कामयाबी की बुलंदियों पर चले और शोर करें वो लोग अपने माता पिता का नाम जल्दी से ऊंचाइयों पर ले जाएं। देखिए यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा शायद आप लोग को पता होना चाहिए, नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंदर क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और जो जो नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटते हैं, एक नाभिकीय विखंडन होता है, संलयन होता है, लेकिन जो नाभिकीय विखंडन होता है एक भारी नाभिक से दो अधिक छोटे छोटे नाभिक टूटते हैं, वही जो नाभिकीय संलयन होती है इसमें दो छोटे छोटे नाभिक जो नाभिक होते हैं आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और जो तारा होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो तारा जो होता है तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी आपका राइट आंसर होगा। जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। फटाफट आप लोग वीडियो को देखते रहेगा, सभी को शेयर कर दीजिएगा। और भूगोल की महागाथा सीरीज है जहाँ पे हम लोग जीएस सुपर 30 सीरीज प्रतिदिन आपको लेकर रात 9:30 बजे आते हैं। तो प्रतिदिन आप लोग रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस पढ़नी है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल नहीं है, यहाँ पे आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल नहीं है। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा सौरमंडल नहीं है। देखिए सौरमंडल होता है, एक सौर परिवार होता है, लेकिन यहाँ आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट जो भी लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, फटाफट सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग, सभी लोग जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताते रहें। देखिए यहाँ पे हमारे सौरमंडल के साथ बुध है, शुक्र है, शनि है, लेकिन फ्लोरिडा नहीं है। क्या है, फ्लोरिडा नहीं है। फ्लोरिडा क्या है, तब जो फ्लोरिडा है अमेरिका में स्थित एक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेप स्थल है, जैसे हमारा श्रीहरिकोटा है वैसे फ्लोरिडा है, माने अमेरिका का एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थान है, मान से जहाँ पे यान को लॉन्च किया जाता है उसे हम प्रक्षेपक स्थल कहते हैं। जैसे भारत का देखा जाए श्रीहरिकोटा है, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहाँ पर है, ठीक है, तो ये फ्लोरिडा होगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी या दूसरा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे है, सॉरी, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, जी हाँ, कि गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचार पत्रों में देखा जाता है। फटाफट कमेंट कर बता दें सभी लोग, चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए, तब तक आप इस प्रश्न को जवाब देते रहिए। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करके जवाब भी देते रहें, और जो भी शेयर कर दिए हैं वो शेयर करते रहें, सभी लोग फटाफट एकदम, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, सभी को जीएस पढ़नी पड़ेगी। और जिन्होंने लाइक किया है भगवान करे वो आगे इस तरह बढ़ते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे, और जो बिना वीडियो को पूरा देखे समझे वो लाइक करते हैं, भगवान उनकी बुद्धि को उनके ऐसे ही बनाए रहें और वो आगे भी ऐसे चले, उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से रहे, वो केवल लोगों की कमियाँ ही तलाशते रहें।
ठीक है, यहाँ पे इसका उत्तर हम बताते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा मनुष्य के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा। ये क्या होता है, देखिए ये गोल्डीलॉक्स जोन होता है, इसे आवासीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आवासीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र कहते हैं। माने अगर आवासीय क्षेत्र के बारे करें तो किसी तारा के चारों ओर स्थिर ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज का एक महत्वपूर्ण घटक है और सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। अगर अपने सौरमंडल की बात करें माने तारों या ग्रहों का एक ऐसा स्थान जहां पे पानी होना प्रतीत होता है, हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ऐसा है जहां पे गोल्डीलॉक्स जोन है, जहां पे पृथ्वी पे जीवन है, पानी है। इसलिए मनुष्य के ऊपर वास योग्य मंडल की जो सीमा होती है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आपके काम आ जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और ईश्वर करते हैं कि आप सभी लोग बढ़ते रहें आगे। मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छे लोग को दुनिया तलाश करती है, अच्छे लोग को हमारी सरकार, हमारे देश, हमारे गरीब साथी, सभी लोग अच्छे लोग को तलाश करते हैं। ये अच्छे लोग के आने से ही हमारा देश अच्छा हो सकता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हीरक वलय दृश्य है किससे देखा जा सकता है। प्रश्नों की सीरीज जो आएगी एकदम महत्वपूर्ण, प्रतिदिन हम आपके लिए नए प्रश्नों की सीरीज लाएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो कुछ सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे, सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो फटाफट सभी साथी जिन्होंने शेयर नहीं किया है शेयर कर दें सभी साथी को। और प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज में, सुपर 30 सीरीज में भूगोल पढ़ेंगे और सौरमंडल पूरी तरह से हम लोग को खत्म करना है। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो होगा केवल पूर्णतया पदचिन्ह के परिधीन क्षेत्रों पर, आइए इसके बारे में विधियों में बताता हूं। देखिए हीरक वलय का जो दृश्य होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व के कुछ सेकंड बाद दिखाई पड़ता है, उसे हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर तीसरा राइट आंसर होगा। जी हाँ, तीसरा सही जवाब है। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्नों की स्क्रीनशॉट रखा करिए, अपने फेसबुक पर डाल दिया करिए, अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया करिए, ताकि लोग आपके साथ जुड़े और नई नई चीजें आपको भी सीखने को मिले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सूर्य ग्रहण कब होता है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस के, जुड़िएगा इलेनी भी दुर्गेश पर, वहां ही आपको जल्दी सभी की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए एक नंबर दिया गया है जो इलेनी भी दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट के विषय में जानकारी ले सकते हैं। आइए सूर्य ग्रहण को हम एक चित्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, उस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसका उत्तर जो होगा वह चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, जी नहीं, इसे हम शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कहते हैं, किसी भी दिन पूर्णिमा नहीं, प्रतिपदा, इसे कहते हैं प्रतिपदा। जी हाँ, प्रतिपदा होगा, इसका उत्तर प्रतिपदा होगा। आइए इसके बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम अन्य जगह जिक्र करेंगे, क्योंकि अभी जब हम लोग क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम ऐसे ऐसे शब्दावली आपको पढ़ाएंगे। आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे शब्द हम लोग ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम आपके लिए प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे तब हम आपको प्रतिदिन नए तरह के प्रश्न, नए तरह के शब्द बताएंगे। तो जो प्रतिपदा होती है यह सूर्य ग्रहण प्रतिपदा में होती है। इसको यह शब्द हिंदी की शब्दावली है जो हमारे एनसीईआरटी की किताबों में, एससीईआरटी की किताबों में, राज्य की किताबों में, जो राज्य सरकारी किताबें होती हैं उन किताबों में ऐसे ऐसे प्रश्नों की जो शब्दांश होते हैं हमें देखने को प्रायः मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, क्योंकि आज प्रश्न काफी ज्यादा है इसलिए हम लोग थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, आइए देखिए यहाँ पे पूछा है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, बताइए जरा कमेंट करके सभी लोग बताइए कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण क्या होता है। आइए दोनों प्रश्नों को हम एक साथ मिलाकर जवाब देते हैं। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए जो प्रतिपदा होता है वो अमावस्या को कहते हैं।
क्या कहते हैं, अमावस्या को प्रतिपदा के रूप के नाम से भी जानते हैं। इसलिए प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। किस दिन? अमावस्या के। ये जो प्रश्न है इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप होइएगा इस तरह के प्रश्नों को डालेंगे तो आपके साथ साथ आपके साथी आपके मित्रों का भी जीएस स्ट्रांग होगा। और ऑनलाइन क्लास जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, अगर कोई समस्या आ रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि पढ़ाते समय हम बात नहीं करते, केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो नौकरी आपके कदमों पर होगी। इसलिए हम लोग बात कम, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस पढ़नी है, और जीएस में भूगोल। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी हम इस प्रश्न को बता रहे थे, सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारा चंद्रमा है, ये माना चंद्रमा है जो इलेनी दुर्गेश का लोगो है। यहाँ पर हमने सूर्य बना दिया, यहाँ पर हमने सूर्य, यहाँ पर हमने पृथ्वी बना दिया, क्लियर। अब जब सूर्य चमकेगा तो यहाँ से इसकी रोशनी क्या होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, तब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस स्थिति में कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा। माने जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुँच पाए उसके लिए बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां से? कोई दिक्कत किसी, कोई समस्या? तो इसलिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब इस प्रकार दिए गए जो प्रश्न है उसका विकल्प क्या होगा? अब यहाँ पे दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है उस समय सूर्य ग्रहण होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा, थ्री का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके हमेशा काम आएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दो प्रश्न एक साथ आ चुके हैं। सभी लोग पढ़िएगा, प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस पढ़नी है। प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज में मैं दुर्गेश जायसवाल यूट्यूब चैनल इलेनी बी दुर्गेश पर हाजिर हूँ आपके साथ। हमारा फेसबुक पेज इलेनी बी दुर्गेश है, जहाँ पे फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। ठीक, अब अगला है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। देखिए मैंने पढ़ाते समय बताया था उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, इन दोनों घटना को मैंने बता दिया था। जी हाँ, इन दोनों घटना को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था, समझा दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ आप रेगुलर क्लास किया करिए। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी तो वहाँ पे मैंने आपको उपसौर और अपसौर इन दोनों बातों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया था, पढ़ाया था, बताया था। इसलिए आज उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर जो इस वीडियो को पिछला नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लेंगे, ताकि हम और आप दोनों चीज़ों को स्पष्ट कर सके। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है वह 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा, 3 जनवरी को होती है। और आपको बताना है उस समय उपसौर होता है कि अपसौर होता है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इस बात पर विधिवत चर्चा किया था, वो भी चित्र और डायग्राम बनाकर। आगे देखते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? जी हाँ, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? अगर गुना की बात देखा जाए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, यहाँ पे मैं दो तरह के उत्तर आपको बता दूँ। अगर हम त्रिज्या के अनुसार देखें, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अगर त्रिज्या के हिसाब से देखेंगे तब 109 गुना होगा। अगर यहाँ पे त्रिज्या दिया होता, अगर यहाँ प्रश्न में त्रिज्या दिया होता तब इसका ये होता, अन्यथा कोई नहीं होगा। आइए इस बात को, दोनों बातों को हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, हम इस समय अगर एनसीईआरटी के आधार पर देखें तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी में एक बात साफ साफ लिखा गया है, यदि सूर्य को हम खोखला कर देते हैं तो उसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। माने पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। लेकिन अगर इसी प्रश्न में सूर्य का आकार पृथ्वी से त्रिज्या के आधार पर कितना गुना बड़ा है, तो जो सूर्य का जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या से कितना, 109.2 गुना बड़ा है। क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है, वहीं सूर्य की जो त्रिज्या है 6,96,000 है, 6 लाख
96,000 सूर्य की त्रिज्या है। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें कि गुने के आधार पर तो 109 गुना त्रिज्या के आधार पर होगा, अगर एनसीईआरटी के आधार पर देखेंगे तो कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर एनसीईआरटी कहता है कि अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए तो उसमें 13,00,000 पृथ्वियां समा सकती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। त्रिज्या के आधार पर विकल्प 3 होगा और एनसीईआरटी अगर आंकड़ा देखेगा तो इसमें से कोई नहीं होगा, लेकिन प्रश्न के आधार पर हम तीसरा विकल्प मानकर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर करें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से आपके पैसे कट जाएंगे लेकिन अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों तक पहुंच जाएंगी। प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज में इलानी दुर्गेश पर विश्व भूगोल की सीरीज चल रही है, आप सभी देखिएगा, अपने साथी मित्रों को भी जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट इस वीडियो का, इस प्रश्न का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ इसका सटीक आंसर भी बताएंगे। देखिए, अगर हम इनको हम सूर्य मान लेते हैं, जो हमारा इलानी दुर्गेश का लोगो है इसे सूर्य मान लिया जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले बुध है, ठीक, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है, इस प्रकार 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले जो चक्कर लगाएगा वो बुध लगाएगा 88 दिन में, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, दूसरा, बुध 88 दिन में। प्लूटो जो दिया है उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। पृथ्वी अगर देखा जाए तो भैया 365 दिन में। शनि कब दिया है तो 29.5 साल में। तो इन सभी को आप जानते रहिएगा, ठीक है, सारे प्रश्न को, इसका उत्तर ये कि 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, पृथ्वी 365 दिन, शनि 29.5 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है, और AIU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे बौना ग्रह का दर्जा दिया है। उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, प्रतिदिन रात 8:30 बजे आ जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। प्रश्न की स्क्रीनशॉट लीजिएगा अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी लगाने के लिए, ताकि आपके साथ आपके साथी मित्र भी धीरे धीरे जीएस में पारंगत हासिल कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी करना है तो जीएस पढ़ना है। अगला है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया था कि देखिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह है बुध, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, उसके बाद है शुक्र। तो बुध और शुक्र पृथ्वी के दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास खुद का कोई भी प्राकृतिक चंद्रमा और प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर जो होगा वह बुध और शुक्र होगा। दूसरा इसका आंसर राइट आंसर है, जी हाँ, बुध और शुक्र। उसके बाद पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2, बृहस्पति के बाद अलग अलग, कहीं 79, कहीं 63, कहीं 69, अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके इलानी विद दुर्गेश, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से ग्रहों में किसके उपग्रह नहीं है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन फिर भी आपके सामने प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आपके सामने तोड़ मरोड़ कर कई बार सामने आ रहा है, इसलिए सभी साथी जवाब दिया करिए, अंत तक जवाब दिया करिए, ये मत कहा करिए ये हमको प्रश्न आता है ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रश्न का जवाब दे लेते हैं तो परीक्षा में कभी आपके ऊपर इस तरह के प्रश्न आएंगे, गलती नहीं होगी, मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होगा। देखिए, पृथ्वी के पास भी उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, बृहस्पति के पास उपग्रह है जिसका सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो पूरे सौरमंडल सबसे बड़ा है, शुक्र मंगल के पास फोबोस और डोमोस है, लेकिन शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसलिए दिए गए प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह इसका डी होगा। जी हाँ, डी इसका चौथा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, चौथा या डी सही राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, सेम प्रश्न है, मंगल के पास है, नेपच्यून है, प्लूटो है, लेकिन बुध के पास नहीं है। देख रहे हैं प्रश्न को कितनी बारीकी बारीकी से बदलाव करके आपके लिए कितनी चतुराई से नए नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद प्रश्न को कितना भी परिवर्तन करे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? जी अनूप जी, आपने सही बताया एकदम, रत्नेश बंगल जी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट करके जब फेसबुक पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, तो आपके साथी मित्र भी आपके प्रश्न का जवाब देते हैं, उनका भी जीएस स्ट्रांग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, सूर्य का प्रभा मंडल जिसे हेलोप कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। मैं इसमें आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, उसे पछाब मेघों के हिम स्फिटकों में उत्पन्न होता है। पछाब मेघों के हिम स्फिटकों में प्रभा मंडल के कारण प्रकाश के अपवर्तन से यह उत्पन्न होता है, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर सी इसका तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, हाँ जाहिद अख्तर जी, आप सभी, आपको और पूरे देशवासियों को ईद उल फितर की ढेरों शुभकामना। ईश्वर करे जल्दी देश में हमारे अमन और चैन आए और कोरोना जैसे महामारी दूर जाए और मेरा देश फिर से बुलंदियों के शिखर पर चलकर विश्व गुरु बने और पूरा देश भारत से शासित होना शुरू हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब आ चुका है आपके बीच अगला प्रश्न, एक खगोली एकल एकक औसत दूरी है। उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ये वीडियो लाइव क्लास चल रही है, आप सभी के लिए लाइव है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे भी शेयर करना हो तो कर देंगे, ताकि अन्य साथियों तक भी ये पहुंचता रहे, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सिलेक्शन है। अगर आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो नाम के मोहताज मत होइए, आप मेहनत से पढ़िए, बेस्ट दीजिए, नाम आपका स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नाम बड़ी बात नहीं, सिलेक्शन बड़ी बात है, और मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। एक खगोली एकक जो औसत है उसे हम क्या कहते हैं भैया जी? यह अगर देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है उसी को कहते हैं, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 150 मिलियन की दूरी के बराबर है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला इसका राइट आंसर होगा, पहला इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग सिलेक्शन के लिए पढ़िए, नाम के मोहताज मत होइए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, तब तक चाहे तो आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। एक मिलियन में 6 सुनना होता है तो भैया 150 मिलियन अभी हमने कहा था, तो भैया 150 × 10^6 माने 15 × 10^7 कर सकते हैं, इसलिए दिए गए प्रश्न का चौथा विकल्प डी का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, वो लगातार प्रश्नों को उत्तर दे रहे होंगे, क्योंकि विश्व भूगोल की महागाथा सीरीज सुपर 30 जीएस सीरीज है, जहां पे हम लोग परीक्षा में आने वाले भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करके आपके बीच लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जो भी साथी लाइव देख रहे हैं। पहला काम, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, सब पानी पी रहे थे, पानी डिस्प्ले पे गिर गया तो टच ही नहीं काम कर रहा है, टच ही नहीं काम कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके बीच आ गया, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। मैं उम्मीद करता हूं फिर आप लोग इसका उत्तर बता लेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ध्यान दीजिए एक ही प्रश्न को कितनी तरह से आपके सामने रखा गया है, ताकि यहां से पढ़ने के बाद कभी भी परीक्षा में आपके प्रश्न गलत ना हो, कभी भी आपका सिलेक्शन इन प्रश्नों की वजह से ना रुके। इतनी तरह से आपको प्रश्न पढ़ा देंगे ताकि जब भी परीक्षा में बैठें तो आपको लगेगा ये प्रश्न तो दुर्गेश सर से पढ़े थे, ये प्रश्न तो हमें इलर्निंग भी दुर्गेश वाला मिला है। ये चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पे भी इसका उत्तर होगा, काफी मोटा हो गया, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है,
इस प्रश्न का उत्तर चौथा या डी इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, उम्मीद कर रहे हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा, दोनों एक साथ हो रहा होगा। अगला प्रश्न है कि मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। तो फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए, जो मैगलन अंतरिक्षयान था वह शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। जी हाँ, शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया था। ये साथ ये क्लास पूरी तरह से लाइव चल रही है, जो साथ इसे लाइव देख रहे हैं वो लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोलाकार है। फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए ब्रजेश मिश्रा जी, कोई बात नहीं, देर आइए दुरुस्त आइए, बाद में वीडियो को देख लीजिएगा जो प्रश्न आपके छूटे हैं। देखिए, इसका उत्तर जो होगा वो होगा अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु कई विषयों के जनक हैं और इन्होंने कहा था पृथ्वी सबसे पहले गोलाकार है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया, ए इज राइट आंसर। इस प्रश्न की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि परीक्षा वाले प्रश्न है, यहां से प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे और आपकी गलती ना हो इस बात की हम और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। क्या गजब का प्रश्न है। एक जीवधारी के रूप में जैसे किसी भी जीवधारियों का नाम होता है, वैसे क्या पृथ्वी का भी वैज्ञानिक नाम है। आप इस प्रश्न को बताइएगा और इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और अपने स्टेटस पे आज जरूर लगाइएगा, अपने फेसबुक पे जरूर पोस्ट करिएगा, अपने इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट करिएगा, जिस सोशल साइट से आप जुड़े हैं सभी जगह इस तरह के प्रश्नों को शेयर करिएगा। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट बताइए, बताइए। आप लोग जल्दी जल्दी। भैया जी, ग्रीन प्लेनेट, जैसे हम क्या कहते हैं, हरा ग्रह, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट, इसे भी जीवधारी के नाते यहाँ पे जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है उसे ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। सोचिए इस प्रश्न की कितनी बेहतर तरीके से आपके लिए बनाया गया था। अगर इस तरह के प्रश्न अगर आप तैयार करते रहेंगे, यकीन मानिए आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, पृथ्वी का व्यास है। जी हाँ, पृथ्वी का व्यास पूछा गया है। तो पृथ्वी का व्यास, वैसे हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, गुणे दो कर देंगे व्यास निकल जाएगा, लेकिन अगर व्यास लगभग में दिया हो तो 12800 होगा, लगभग 12800 किलोमीटर होगा। जी हाँ, इसका उत्तर तीसरा, थर्ड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है और व्यास जो होता है त्रिज्या गुणे दो होता है। क्योंकि मैं मैथ का भी अध्यापक हूँ, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा जियोग्राफी है। जी हाँ, इसलिए हम आपको मैथ से भी समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। क्या आप इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए, फटाफट बताइए सभी लोग। जल फटाफट बताइए सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिए जो भी लाइव देख रहे हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इस प्रश्न को मैं स्पष्ट करके भी बताऊंगा। देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा बुध हो गया, ये शुक्र हो गया। देखिए, बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, बुध जो है, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र है। क्या है? शुक्र है। क्योंकि इसका एक खासियत और है, इस ग्रह पे लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है।
अब हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपारगम्यता गैस कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, इसे शाम का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है। फटाफट बताइए, समझ में आ रहा है आप लोग को ना? आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, ये आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, संख्या आप लोग की नहीं बढ़ रही है। अब आ रहा है इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, तो फटाफट अभी लोग बताइए कमेंट करके, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, हो सकता है आपके परीक्षा, ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के काम आ जाए, ठीक, सभी लोग के काम में आने वाला है ये, तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं लेनी दुर्गेश की, ऑफलाइन क्लास जो जौनपुर जनपद में चलती है सिराजे हिंद में, और नोट्स भी उपलब्ध हो जाएगी, भूगोल की भी नोट्स उपलब्ध जाएगी, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स। देखिए इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं, क्योंकि मैं आपका समय नहीं गंवाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को हमारे सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ पे पृथ्वी इतनी बड़े बड़े तूफान चलते हैं, शनि ग्रह को छल्लो वाला ग्रह कहते हैं, ठीक है, और वरुण ग्रह को, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला है भोर का तारा किसे कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बता लेंगे कि भोर का तारा किससे कहते हैं, बताइए भोर का तारा किसे कहा जाता है। फिर आपको पता है कि भोर का तारा शुक्र कहा जाता है, यह सबसे पास का है, इसे लाल ग्रह कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण, इसे छल्लो वाला ग्रह कहते हैं, इसका घनत्व तो सबसे कम है, ठीक, मंगल में आयरन ऑक्साइड कारण से लाल ग्रह कहते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया यहाँ पे है, ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन दिए गए प्रश्न का उत्तर बी इसका राइट आंसर होगा, शुक्र। जी हाँ, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसकी रख सकते हैं अपने पास। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। इस प्रश्न का मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस पे मैं आपको जल्दी से आपका जवाब दूंगा, उसे श्यान द्रव्य कहते हैं, ठीक है, श्यान द्रव्य क्या है इसके बारे में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे तो वहां पर हम इस बातों को चर्चा करेंगे। प्लाज्मा नहीं होता है, वाष्पशील गैस और ठोस नहीं होता है, उसे श्यान द्रव्य कहते हैं, द्रव कहते हैं, उसके बारे में जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन चीजों को आगे अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भूपर्पटी, भूपर्पटी क्या होता है, जैसे अगर हम पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारी है, इसका एक हिस्सा हमने काट लिया तो वो हिस्सा इस तरह से मिलता है, तो पर्पटी का मतलब ऊपर का हिस्सा, क्रस्ट जिसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, तो अगर भूपर्पटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो हमारा ऑक्सीजन है, वो क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर समस्त पृथ्वी में पूछा पाया जाएगा, अगर पूछ दिया जाए कि समस्त पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके उस प्रश्न का भी जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमने भी आपसे पूछा है, ठीक है, सभी लोग बताइएगा कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा रसायन कौन सा पाया जाता है, और यहां पर भूपर्पटी पूछा है, जो ऊपर का हिस्सा होता है भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल कहते हैं, नीचे वाले कोर कहते हैं, तो जो ऊपर हिस्सा जिस पर हम रहते हैं उस पर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब देते रहेंगे, जो वीडियो लास्ट में देखेंगे वो भी जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है। अगर इसे सेकंड में पूछता है तो याद रखिएगा 500 सेकंड, अगर सेकंड में पूछता है तो 500 सेकंड रट्टा मार दीजिए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके जरा जवाब दीजिएगा, वीडियो साफ चल रही है, आवाज साफ आ रही है, नहीं आ रही है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, कंफर्म करिएगा कि क्या आवाज साफ आ रही है मेरी, आपको मेरी आवाज जो आ रही है वीडियो क्वालिटी, तो कमेंट करके लोगों को बता दिया करिए कि साफ चल रही है या नहीं। देखिए यहाँ पे अगर प्रश्न देखा जाए तो 8 मिनट लगभग होगा, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं 17 सेकंड मिलता है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है और लगभग 150 मिलियन दूर है, तो उसी अंदाजा से सूर्य प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, लगभग 500 सेकंड, और इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 186,000 प्रति मील प्रति सेकंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ,
उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब यूनिक प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से हमें गलती नहीं करना है। अगर सरकारी नौकरी करना है तो जीएस पढ़ना है प्रतिदिन रात 9:30 बजे इलेनी दुर्गेश पर भूगोल की महागाथा सीरीज में सुपर 30 जीएस, जहाँ पे 30 जीएस के प्रश्न पढ़ेंगे। यह अध्याय खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम होगा पृथ्वी और उस पर बनी रेखाएं। तो आज की सीरीज के बाद अगली सीरीज वही पढ़नी है, पृथ्वी पर कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो भैया सबसे समीप जो तारा है पृथ्वी का कौन सा होगा। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे फटाफट। बहुत अच्छा, भगवान करे आप लोग जितने अच्छे से आप लोग आंसर जवाब दे रहे हैं, ईश्वर करे दिन दोना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़ते रहें और इसी क्रम में ऊंचाइयों को छुएं, जल्दी सरकारी नौकरी करें, हमें मिठाइयाँ खिलाएं। इसका उत्तर सूर्य होगा। जी हाँ, पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक का तारा है वह सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। अब मैं उम्मीद करता हूं यहां से भी आपकी गलती नहीं होगी, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, तो फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज 9:30 बजे स्टार्ट होती है। तो प्रतिदिन अगर आप लोग को सरकारी नौकरी करनी है, जीएस पढ़नी है, तो सोने से पहले जीएस का डोज जरूर लिया करिए। रात 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास। देखिए कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है, बताइए फटाफट कमेंट करके, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है। अगर इस विकल्प के अनुसार देखा जाए तो यहां पे मंगल होगा, प्लेटो दूर है, शनि दूर है, बृहस्पति दूर है, इस विकल्प के आधार पर मंगल इसका राइट आंसर होगा। लेकिन वहीं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जो अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, यहां पर शुक्र और मंगल दोनों दिया है, इस दशा में क्या होगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह यहाँ पे शुक्र और मंगल दिया है, इस दशा में क्या होगा। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सबसे सही सबसे पहले कौन देता है। फटाफट सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, मेरा उद्देश्य। देखिए यहाँ पे जो होगा वह इसका उत्तर होगा शुक्र होगा। कहाँ पे शुक्र, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। एक मिनट रुकिएगा, मैं दोनों प्रश्नों को फिर नीचे करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो भैया इस प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र, जब शुक्र और मंगल दोनों दे तो उसका उत्तर शुक्र होगा। यहाँ पे शुक्र नहीं था तो शुक्र के बाद मंगल आता, इसलिए इस दोनों प्रश्न की स्क्रीन शॉट लीजिएगा, दोनों प्रश्न अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि दोनों का कंडीशन था, पहले में शुक्र ना होने की वजह से हमने मंगल का चयन किया, लेकिन अगर मंगल और शुक्र दोनों दे उस दशा में शुक्र ही आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। उसका उत्तर क्या होगा, शुक्र ही उसका राइट आंसर, शुक्र उसका सही जवाब होगा। चाहे तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा के अपने मित्र अपने दोस्तों को ज्ञान बढ़ा सकते हैं, उनका जीएस भी स्ट्रांग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर, पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो मैं इस प्रश्न में आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आज हर हाल में क्लास खत्म करनी है, अगले दिन से नया टॉपिक पढ़ना है, नया अध्याय पढ़ना है, तो आज पृथ्वी और ब्रह्मांड खत्म करना है, सौरमंडल खत्म करना है, इसलिए इसका उत्तर होगा 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी इस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। माध्य का है, प्रश्न में माध्य भी याद रखिएगा। जी हाँ, माध्य वेग से। अगला प्रश्न आपके बीच है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था पृथ्वी का दो झुकाव होता है, एक अच्छी झुकाव एक कच्ची झुकाव। आइए इन दोनों तथ्यों को हम चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का जो अच्छी झुकाव है वो यहाँ से देखेंगे तो 3.5 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ से कोई एक रेखा गुजारते हैं तो इसकी जो कच्ची झुकाव होगी, अच्छी झुकाव जिसका 23.5 डिग्री होगी, लेकिन अगर कच्ची झुकाव पूछेगा तो 90 में से 23.5 घटा देंगे तो 66.5 आ जाएगा। इसलिए अगर परीक्षा में अच्छी झुकाव पूछेगा तो भैया अच्छी झुकाव 23.5 अंश है, लेकिन अगर परीक्षा में कच्ची झुकाव पूछेगा तो 66.5 डिग्री होगा। कैसे, 90 में से 23.5 घटा देंगे तो क्या होगा, 66.5 डिग्री होगा। जी आपने एकदम सही सुना, 66.5 डिग्री होगा।
मैंने इसको पढ़ाया है, स्टार्टिंग भी मैंने बताया था, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी है तो आप सभी को जीएस पढ़नी है। क्लियर हुआ? या मैं इसे दोबारा स्पष्ट कर दूं, अच्छी झुकाव और कच्ची झुकाव को बताइए भैया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इस झुके हुए कारण पृथ्वी अपने धुरी पर 100 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग इसे 24 घंटे का समय भी लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये आज का आखिरी प्रश्न था और यहां से हमारी जो क्लास थी वो चुकी है। कल हम लोग पढ़ेंगे रेखा, रेखाखंडों के जाल, पृथ्वी संबंधित जो उस पे रेखाएं हैं और प्रमुख ज्वालामुखी क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के टॉपिक आप लोग तैयार करके रखिएगा। कल हम लोग चट्टान, पृथ्वी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सियाल, सीमा, नीफे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इन सभी के बारे में, दिन रात का होना, उनसे जुड़े प्रश्नों को लेकर आएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जहां से परीक्षा में प्रश्न बार बार आते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मुझे लगा और भी प्रश्न है लेकिन प्रश्न यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन रात 9:30 बजे इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके इलनी भी दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। कल 9:30 बजे फिर मिलते हैं जीएस की महागाथा सुपर 30 सीरीज में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे जीएस की महागाथा में भूगोल। तो क्या आप लोग कल 9:30 बजे लाइव रहेंगे? क्या जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कल सभी रहेंगे? क्योंकि कल का टॉपिक और ही मजेदार बड़ा है। कल मुझे समझाना ज्यादा है, कल तथ्यों को स्पष्ट ज्यादा करना होगा, इसलिए कल कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। कल का मतलब मेरी अगली क्लास का होता है। ठीक है, तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा। आपके मन में कोई सवाल हो तो फटाफट पूछ लीजिएगा और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आज की जो सौरमंडल का प्रश्नों की सीरीज थी वो आज खत्म हो गई। फिर अगली सीरीज के लिए आप लोग को या तो इंतजार करना होगा या तो वीडियो को शेयर करना होगा। ठीक है जी, सिलेबस हम डाल देंगे। और कोई सवाल आपके मन में, फटाफट कमेंट कर सभी लोग बताएं, फटाफट कमेंट कर जल्दी जवाब दें। कोई प्रश्न आपके मन में है, कुछ पूछना है, क्या कल 9:30 बजे लोग लाइव होंगे? कल क्या सभी लोग 9:30 बजे रात लाइव होंगे? उसके बाद 8:00 बजे, फिर 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, सारी शेड्यूल आपके लिए तैयार है। आप लोग जुड़िएगा इलनी भी दुर्गेश से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई सवाल नहीं है आपका? चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। भगवान करे आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। एकता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष साक्या जी, जी हाँ। चलिए, अंत में सभी रोजेदार को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।